92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज 92.7 बिग एफएम पर। हमारे आज के मेहमान हैं इस हफ्ते की रिलीज हीरो के नए कलाकार आथिया शेट्टी, जो सुनील शेट्टी की बेटी है, और सूरज पंचोली, जो आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के सुपुत्र है। अच्छा आथिया और सूरज, मैं जानती हूँ बहुत सारे नए कलाकारों को मैंने इंटरव्यू किया है और आमतौर पे सबका जवाब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, फिर भी ये सवाल पूछना आप दोनों को ज़रूरी है कि कैसा महसूस कर रहे हो आप इस वक्त? बहुत बहुत एक्साइटेड है, इतना प्यार मिला है सबसे, इतना प्यार मिला मीडिया से और लोगों से और फैंस से। अच्छा ये एक्टिंग का कीड़ा कब से पालने लगे आप दोनों, बचपन से या बाद में? मुझे एक्टर बनना था जब मैं देखा ऋतिक सर की फिल्म का होना प्यार है, उसके बाद मैं और काफ़ी लड़के हैं जो इंस्पायर हुए और वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, वहाँ से मेरे को एक्टर बनना। और आथिया आप? जैसे सूरज ने कहा, थैंक यू, आप लोग सब इतना प्यार दिए हमें, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं और काश ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो जाए। ज़रूर प्यार मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है दोनों को। सब लोग ऐसा मानते हैं कि जो स्टार के बच्चे होते हैं उनको फिल्मों में आना बहुत आसान होता है, आपको क्या लगता है, इज इट मोर टफ और इज इट मोर ईजी? आर यू बींग वॉच्ड मोर, क्रिटिसाइज मोर, या आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है? आप दोनों के लिए हिंदी फिल्मों में एंट्री लेना कितना आसान था? मैम बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहली बात तो सभी एक्टर के बच्चे लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और अगर मिले भी तो उसके लिए आप में कुछ बात होनी चाहिए, आप में कुछ मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर आप पे ऐसे ही पैसे नहीं डालेगा। और सलमान सर चैरिटी तो नहीं कर रहे, उनका भी ये बिजनेस है, और इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि उतना ही क्रिटिसिज्म मिलता है, इतने ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो उसको मैचअप करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। और आथिया आपका, आपकी राय क्या है? मुझे ऐसे लगता है हाँ, कभी कभी हम स्टार किड्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम एडवांटेज लेते हैं ये प्लेटफॉर्म का। हमें भी काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, मुश्किल है, आसान नहीं है एक्टर बनना। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि यू नो एक नाम या एक सरनेम आपको यू नो एक स्टार बना देगा, आप में कुछ होना चाहिए, मेहनत, टैलेंट, और वो ही आपको आगे बढ़ाएगा। सूरज आप इस बात से सहमत हो कि आप में कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके हो अब तक, बहुत कुछ झेल चुके हो अब तक, तो कभी आप सोचते हो कि अगर सलमान खान आपकी जिंदगी में नहीं आते तो क्या होता? बस कुछ साल पहले तो आप सुनील शेट्टी की बेटी थी और आप आदित्य पंचोली के बेटे थे, और सडनली आप स्टूडियो में हो और कैमरा के सामने हो, लोगों का रिस्पांस और एटीट्यूड आपकी और बदलता है क्या? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि मैम हमारे गाने सबको मालूम है, हमारा रिलीज डेट सबको मालूम था, हमारे फिल्म के जितने भी गाने सबको बाय हार्ट मालूम है, और अति और मेरे बारे में लोगों को मालूम है ऑलरेडी। तो जब इतना फैन फॉलोइंग आपका ऑलरेडी हो जाता है, और क्या चाहिए हमको, क्योंकि वी आर डूइंग दिस फॉर आवर फैंस, और फैंस का सपोर्ट मिल रहा है तो उससे बड़ा और क्या होगा हमारे लिए। मुझे याद है म्यूजिक लॉन्च पे जब आप पहली बार सलमान खान के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे और अपने आप को रोक नहीं पाए थे, सच? मैम एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था मेरे लिए, और मेरे को कभी खुशी के आंसू आए नहीं, तो उस दिन आ गए थे तो मेरे कंट्रोल में ज़रा भी नहीं थे, क्योंकि सलमान सर ने इतना किया मेरे लिए, इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, और मैं सलमान सर को दिल से प्यार करता हूँ, तो वो जो प्यार निकला था वो सलमान सर के लिए निकला था, मालूम नहीं मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं, पर सलमान सर ने मुझे चांस दिया। और आथिया को ये चांस कैसे मिला, कैसे हीरो फिल्म का ऑफर आथिया के दरवाजे पर आया? आथिया आपने प्रोड्यूसर का दरवाजा खटकाया या प्रोड्यूसर ने आपका दरवाजा खटकाया, हीरो फिल्म को अपनी नई राधा कैसे मिली? एक्चुअली पापा को कॉल आया तो पापा ने मुझे बताया, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि ये सलमान सर के पहले प्रोडक्शन हाउस का फिल्म था, मैं शॉक में थी, तो मैं अभी भी शॉक में हूँ कि ओ माय गॉड ये सब हो रहा है, सपना तो नहीं है, पिंच्ड माय सेल्फ अ लॉट, तो हाँ बहुत ही एक्साइटिंग महसूस हुआ। इस एक्साइटमेंट में आप अपनी फेम एंजॉय कर रहे हो या आप सोचते हो कि अभी आप स्टार बन गए और आप टैंट्रम्स थ्रो करने वाले हो? टैंट्रम्स और यू नो अगर हम एक भी टैंट्रम करे या फेंके तो एक भी टैंट्रम अगर हम लोग थ्रो करें तो लोग हमको थ्रो कर देंगे, तो नहीं करे तो हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जो एक झापड़ मारेंगे हमें। बिल्कुल, और सबसे पहले तो आपको मारेंगे आपके मम्मी और पापा।
मुझे पूरा यकीन है कि दोनों ने आपकी पूरी गाइडेंस की होगी कि किस तरह से इस प्रोफेशन के लिए तैयारी करनी है, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। हम सबको पता है कि हीरो 1983 की हीरो का रीमेक है और हम सबको पता है कि कहानी क्या है और किरदार क्या है। आप दोनों के लिए बहुत आसान होगा क्योंकि आप दोनों ने ये फिल्म देखी होगी। कितनी बार देखी थी ये फिल्म और क्या क्या सीखा? मैंने ये फिल्म चालू होने से कम 4-5 बार, एक्चुअली 5 बार देख ली थी मैंने। एक बार पहले देखी थी और 4 बार फिल्म चालू होने के पहले देखी थी। और बहुत ही अच्छी फिल्म है, हीरो से अच्छी फिल्म नहीं हो सकती कि इसको लॉन्च करने के लिए। परफेक्ट स्क्रिप्ट है, परफेक्ट रोमांस है, परफेक्ट गाने हैं और परफेक्ट एक्शन है। और आते आपने? मैंने देखा था लेकिन मैं बहुत छोटी थी। मुझे म्यूज़िक बहुत ही पसंद आया लेकिन जब मैंने साइन किया तब मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे अपना किरदार राधा को अपने यू नो आई वांटेड टू मेक इट माय ओन, अपना बनाना था राधा को और यूथ को टारगेट करना था। और आपको क्या हमेशा एक्टर ही बनना था? हाँ बिल्कुल, जब मैं 3 साल की थी। तो 3 साल की उम्र से आप क्या क्या करती थी? क्या आईने के सामने खड़ी रहकर पापा के गानों पे नाचती थी या कुछ और करती थी? बता दो, आज सारे राज खोल दो। हाँ बिल्कुल, डांस करती थी, एक्टिंग करती थी, फिर मैंने स्कूल में थिएटर किया तो एक्टिंग हमेशा मेरा हॉबी था। तो 3 दिन में क्या लग रहा है आपको? रुके कि ये वीकेंड तक क्या होगा और प्रे करता हूँ कि अच्छा ही होगा। दुआ करती हूँ मैं कि आप दोनों को और भी फिल्में मिले और आप कामयाब हो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और नई फिल्म और नए किरदार को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं भावना सुमाया 92.7 बिग एफएम पर और हमारा शो जो आपका शो है बिग टॉकीज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।